भरा ही भरा दी जान दा बन गया वैरी, अद्धी रात कंध टप वारदात नूं दित्ता अंजाम। दरअसल जलंधर विच भरा ही भरा दा दुश्मन बन गया। गलबात दौरान पीड़ित दे घर वालिया ने दस्या कि यह गल घां साड़न तो लैके शुरू हुई सी। जदों मेरी घरवाली ने उन्हां नूं रोकिया तां अतवार सिंह दा भरा साडे घर विच आ गया ते उसने घर विच आ के हंगामा करना शुरू कर दिता। यह सब कुछ चलन तो बाद जदों खत्म होया तां अगले दिन यह सब कुछ हो गया। पुलिस नाल गलबात दौरान उन्होंने दस्या कि यह दोवें भरावां दा जो कि एक दूजे दे चाचे ताए दे ही पुत ने आपसी कुछ गल्लां करके तकरार सी ते कुछ आपसी रंजिश कुछ कैमरे लगाने दे कारण भी सी होई ते अतवार सिंह जो कि पीड़ित दे चाचे दा बेटा है उसने उस नूं बाहर बुला के कुटमार करनी ते काफ़ी जख्मी किया। इस ते उन्हां दे माता पिता ते पुलिस दा की कहना आओ सुनी। हाँ जी ये बेटी ने फोन किया मैंने मनोहर सिंह जी ने तो फिर उ मैं आया सर देखने मौके से फिर कहते कि पापा ना सट्टा बहुत मारिया उन्होंने तुम आओ जरा चाचा जी माड़ा जा फिर अं गए तो नाल बचित्र सिंह जी नाल गोपी सी मेरे फिर अं तिना ने मौके से चकिया उतो जाके ये बारे नहीं भाजी ये तो उन्होंने पता मनोहर सिंह पता ये बारे नहीं इन्ना पता उदा से भी कैमर तो थोड़ी कहें भी रंजिश जी या भी कैमरे लाए आ उन्हें तंग करके नहीं नहीं आए थी कैमर का ही सर रौला जो केंद्र से भी साढ़े घर वालू लाए जा करके करके होर नहीं कोई गल एक घा व्ढिया अग उग लाई थी इन्होंने वह रौला से बस यही सी माहौल खून ना लत पत हो पे दोनों जाने उसने उन्हें बाल पड़े जो अं चौंकी गए उस बाद भज गया। हाँ जी दो जने संतोष को हो रहा है मनोहर सिंह दोनों जने हाँ जी हाँ जी हाँ जी पकड़े नहीं वह तो चल गया जी भज गया जी जो बाकी बंदे ही उन्होंने नहीं कोशिश की थी कुछ नहीं कहते हम कार्रवाई करेंगे जो होंगी है सर। हाँ जी सू इंसाफ चाहिए बस ये बारे जी मेरा नाम जरनैल सिंह माता जी नाम की है कुलदीप कौर पहला घा की गल हुई सी घा पिछले पास साड़िया मुंडे ने कहा घा भाई साहब तुम घर ना साड़ो कहिंदा मैं इद्दे साड़ना मैं इद्दे साड़ना बाद चो पे मेरे को आया वो कहिंदा भी अज तो उन्हें साड़िया गां मैं कहिंदा पट के मैं साड़ूंगा मैं कहा जी वह पागल है तुम तो अगल बन लो कर लो अगल तो कहिंदा नहीं इदा ही होगी मैं कहा तुम बेवकूफ ही है ना सारे फिर तो उस तो मैं कहा तो कोई फर्क नहीं गा तो इन्हें मतलब के मेरा रोज़ मेरे को आते कदे सवेर नू कदे शाम नू मेरे मुंडे ने भी बाहर फोन करते मैनू शक पै गई भी कोई इन्होंने काम करना है जिहड़ा कि मतलब ये रोज़ ये आते आ कल भी शामी मेरे को दूजा भरा इहदा आया वो भी बिच्चे ही आ परिवार दा कोई पहला कोई मसला चलता क्योंकि ये बड़ी छोटी जी गल लग रही है कि इन्ना जिहड़ा कि खून खराबा करता खून खराबा बस इन्हें बस पता नहीं कि इन्हें बीमारी पई आ ये मतलब कि उस दिन घा तो ही गल ज़्यादा वधी आ कैमरे लवाए गाला बहुत कढ़दा सी उपर कोठे ते कढ़दा सी इहदा प्यो कुड़ियां दीआं गाला कढ़दा सी मैं नहीं मैं पिंड रहिंदी आ उह इत्थे आ रहे ते सड़क दे उत्ते रहिंदे आ उत्थे सब भी इक कुड़ी आ उहदी तां इक उहदा उहदी घरवाली आ इत्थे 12:30 बजे रात नूं हमला कीता उहने ते 1:30 बजे मैनूं पता लगा उह बिक्के ने मैनूं फोन कीता अंदर ये टप के कंध मैं हूँ देखा कि बाथरूम गई है घरवाली तो उन्हें देखा उन्हें छाल मारी अंदर चल गया इन्हें सुते पैते बाहर किया पुलिस वाले कहते देखते हैं करते हैं वो समान जो समान लग्या हथियार वो लै आए हैं तो सानू इंसाफ चाहिए वो पे भी माँ पे सारे उधर गए चले गए वो मुंडा सवेरे जो मेरा देर का मुंडा छो गया इतों हस्पतालों तो उदों वह लंघ के गया आ तो वो माँ ने उपरों कपड़े सीटे आ माँ पे भी नाल ही हाजिर वा शामिल वा भी असी करते हैं तो तू कर। हाँ जी सर जो मामला है पहले दसो की हो मैं चौंकी इंचार्ज फतेहपुर थाना सदर जलंधर ये जरा
कल राती कोई करीब एक बजे ना जिहड़ा अवतार सिंह आ ਉਹ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਰਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਕੁਛ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਕੁਛ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਉਹ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਤੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।